हम अगर आप देखें हमारे जो बाप दादा थे वो इन बड़े पूंजीपतियों के जो है दरवाजे पर बैठते थे कि हमें रोज़गार मिले। उनको रोज़गार तो नहीं मिला लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन आया जिसमें हमारे चाचा बाप वो लोग इनके पीछे पीछे चले यहाँ के सियासतदानों के कि रोज़गार मिले, किश्तवाड़ का मसला ख़त्म हो। उनको भी नहीं मिला, वो भी ओवर एज हो गए, वो मजदूरी करते रहे, कुछ दुकानों में चलते रहे, उनको किसी को OBGW बनाया गया। अब एक नई जनरेशन है, उनको भी ये अपने पीछे पीछे चलाना चाहते हैं क्योंकि ये अपना कारोबार करें, अपने बच्चों के लिए SRO केस तैयार करें। तो मुझे लगता है कि किश्तवाड़ के नौजवान जाग चुका है, किश्तवाड़ के नौजवान को समझ आ चुका है कि आज अगर BJP के साथ लड़ाई तो है लेकिन एक लड़ाई और है, वो है बददियानती के खिलाफ। आज आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट नवाए सुबूं की जगह मुझे लगता है किश्तवाड़ सरकूट में बांटा गया है। एक सोची समझी साजिश के तहत मांडवाली कर